अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी बहन दोस्त आपी रबी अनवर आपको अपने चैनल में एक मरतबा फिर से करती हूँ खुश आमदीद। और आज का मेकअप जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल बट बहुत ही ज़्यादा क्लासी और हसीन होने वाला है, ठीक है ना। तो जी चले चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा आज की लुक क्या निकल कर आने वाली है। तो अगर आज की इतनी मुश्किल तरीन लुक आप सीखना चाह रहे हैं तो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखने, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में भी शेयर करें मेरी वीडियोज़ को, ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली इंक्रीज़ हो जाए। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया है लाइटिश ब्राउन कलर मैट लेकर, वो मैंने अपने क्रीज एरिया पर और लोअर लैश लाइन के ऊपर किस तरीके से उसकी ब्लेंडिंग की और मैट में। उसके बाद ये तरकीला चमकीला भड़कीला जो रेड कलर है शोख रेड कलर मैट कलर में, ठीक है, जिस कलर का मैंने आज अपना दुपट्टा भी वेयर किया हुआ है, ठीक है, वैसा ही कलर मैंने आज बिल्कुल मैचिंग करके उसके साथ चलाने की कोशिश की है जो कि बिल्कुल कामयाब हुई है। तो जी ये हमने मैट कलर उठाना है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट, और उसके बाद उसको हमने अपने आईज़ के ऊपर किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरीके से रखना है, वो भी आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। पूरी आई लिड के ऊपर क्रीज एरिया के ऊपर रखा मैंने प्रोडक्ट को, आई लिड के ऊपर है, और उसके पिगमेंट इतनी हसीन और इतना ज़बरदस्त उसकी पिगमेंट है ना, तो वो ना एक ही मैंने जस्ट ब्रश के ऊपर लिया एक दफ़ा और उसकी मैंने यानी कि ब्लेंडिंग कर दी। रखा मैंने उसको आई लिड के ऊपर था और उसको मैंने क्रीज एरिया के ऊपर और सारा बाहर की तरफ आउटर साइड पे ना उसकी ब्लेंडिंग कर दी है, सिर्फ इसी यानी कि रेड कलर की, लोअर लैश लाइन के ऊपर भी और अपर लैश लाइन के ऊपर भी। उसके बाद मैंने हल्का सा बिल्कुल मेटालिक पिंक कलर लिया और उसको अपने लिड के ऊपर बस इस तरह से वाइप अप कर दिया, ठीक है। प्लेस करने के बाद जी ये हमने पिंक कलर का ग्लिटर लिया था और ये दूसरे ग्लिटर्स थे जो हम ऐसे भी अपने आईज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं विदाउट ग्लू के, ठीक है। और मेरी ग्लू ख़त्म हुई हुई थी तो मैंने एक जुगाड़ लगाया, पहले मैंने ये वाले पिंक कलर अप्लाई किए, ठीक है। ब्रश से ज़्यादा मुझे फिंगर टिप की मदद से लगाना ईजी लग रहा था, ठीक है, तो मैंने फिंगर टिप के ऊपर लिया और अपने लिड के ऊपर अप्लाई कर लिया। और इस मेकअप में आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि मैंने जो है ग्लिटर वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया है, किस एरिया पे आई के, ठीक है। तो मैंने लाइनर लैश लाइन के साथ साथ अप्लाई नहीं किया, मैंने सिर्फ मिड में उसको आई लिड के मिड पार्ट के ऊपर अप्लाई किया। उसके बाद जी ये जो हमारे डस्ट ग्लिटर होता है ना, डस्ट ग्लिटर जो होते हैं जिसको ग्लू की वजह से अप्लाई करना होता है, वो मैंने शोख रेड कलर जिस कलर का मैंने एक प्रोडक्ट अप्लाई की थी, रेड कलर का दुपट्टा शुपट्टा जो मैंने लिया हुआ ना, वो कलर का मैंने ग्लिटर उठाया रेड कलर में और उसको अपने लिड के ऊपर अप्लाई कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद मैंने लिया गोल्डन कलर मेटालिक में और उसको अपने आईज़ के इनर कॉर्नर के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ जी, इस तरीके के साथ, ठीक है। और ये इस पूरे लुक को इतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री करेगा ना, सिर्फ रेड कलर आप देख रहे होंगे मैंने लिया, ठीक है। क्रीज एरिया के ऊपर मैंने हल्का सा पहले ब्राउन कलर का मैट और लोअर लैश लाइन पे लगाया था, देन जस्ट रेड अप्लाई किया, उसके बाद मैंने ग्लिटर अप्लाई किया और ये मैंने सिंपल गोल्डन कलर जो था ना वो अप्लाई कर दिया। देन मैंने येलो कलर का मेरे पास जो लाइनर है, लिक्विड शेड्स हैं, लिक्विड लाइनर्स हैं, वो मैंने लेकर अपने वाटर एरिया के ऊपर येलो कलर अप्लाई किया था, तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद ही हम अपना मस्कारा अप्लाई करेंगे लोअर लैशेस पे एंड अपर लैशेस पे। और मेरी जो आईब्रोज़ हैं वो बनने वाली नहीं हुई हैं तो इसको आपने इग्नोर करना है, ठीक है। रोज़ रोज़ यार नहीं बनाई जाती हैं और दो चार दिनों के अंदर ये दोबारा से रीशेप होने वाली हो जाती हैं, तो मैंने इसको आप लोग इग्नोर करें, आप सिर्फ आई लुक के ऊपर कॉन्सनट्रेट करें। लेकिन अगर आईज़ शेप हुई होती तो ये लुक और भी हसीन निकल कर आती, बट ये भी एज अ शो स्टॉपर लुक थी। एज अ मॉडल मेकअप अगर आप इसको कैरी करना चाहें विद इन फाइव मिनट्स जो थी ये लुक मैंने अचीव कर ली थी। बहुत ही सिंपल है जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इतने ज़्यादा प्रोडक्ट भी नहीं है, सिंपल एक दो कलर्स हैं और ग्लिटर अप्लाई किया और लाइनर मस्कारा अप्लाई किया। सिंपल मस्कारा के साथ भी ये लुक अच्छी लग रही थी जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी यहाँ पर, बट मेरी चुन्नी लैशेज होने की वजह से इतना कोई वो काम नहीं किया, लेकिन अच्छा लग रहा था। तो फिर जब हम यहाँ पर लैशेज अप्लाई करेंगे तो ये आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं कि लैशेज में क्यों कहती हूँ कि लैशेज अप्लाई करना बिल्कुल भी मत स्किप किया करें अपने किसी भी मॉडल मेकअप में, तो नहीं स्किप होता बट पार्टी मेकअप में भी मोस्टली गर्ल्स जो हैं वो उसको स्किप कर देती हैं, बट ये पार्ट बिल्कुल भी स्किप करने वाला नहीं होता जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। इससे आईज़ की इतनी खूबसूरत और हसीन लुक निकल कर आती है, इतनी डेप्थ देता है ये आईज़ को,
तो आप इसको स्किप मत किया करें। विदाउट लाइनर, विदाउट एनी काइंड ऑफ ओवर मेकअप, जो प्रोडक्ट उठा उठा के ये लगा लें, ये कलर लगाएं तो ये निकलेगा। सिंपल दो प्रोडक्ट के साथ हमने ये 5 मिनट के अंदर अंदर ये लुक अचीव किया है, ठीक है ना। और अगर कैमरा बंद होता तो सिंपल 2 मिनट के अंदर ये लुक अचीव हो जाना था। तो जी अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, दुआओं में।